चलो, तो अगर अब न्यू फाइल अपन अपन को खोलनी है, ठीक है, तो वो कैसे खुलेगी और उसने इनिशियली क्या काम आपको करना पड़ेगा वो भी अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी तक प्रोजेक्ट खुला हुआ, ठीक है, लेट्स मैं एक न्यू फाइल खोलना चाहता हूँ, तो या तो आप सिंपली फाइल में जाके, ठीक है, न्यू पे क्लिक करना, तो आपके पास में टेम्पलेट्स आएंगे तीन, दैट इज ब्लैंक, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, न्यू फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, और एक आएगा आपके पास रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ये टेम्पलेट है जो मैंने कर रखी है, ठीक है, मैं टेम्पलेट पे बाद में बताता हूँ क्या होता है। फिर एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है और ये सब है, आप इसमें से भी कर सकते हो। एक दूसरा तरीका और है, जैसे शॉर्टकट है, यू कैन से इट इज कंट्रोल प्लस एन। अगर कंट्रोल प्लस एन दबाओगे तो क्या होगा, आपका खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा, खाली नया प्रोजेक्ट खुल जाएगा। और आप यहाँ पे टॉप पे इसका नाम देख सकते हो, इसका यहाँ पे नाम होगा, मुझे भी दिखनी था क्योंकि मेरी शेयरिंग की स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो इसका एक जो भी बाय डिफॉल्ट नाम होगा, ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ क्या हो रहा है। इसका नाम का नाम आ रहा है प्रोजेक्ट वन, ठीक है, तो प्रोजेक्ट वन उसका एक नाम आया। नाउ पहली चीज जो हमको करनी पड़ती है एमएस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट खोलने खोलने के जस्ट बाद, वो होती है उस प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट को फिक्स करना, है ना। प्रोजेक्ट की क्या स्टार्ट डेट है, वो काम कब चालू हो रहा है, किस दिन चालू हो रहा है, ठीक है। तो अपन जाते हैं उसके लिए यहाँ ऊपर प्रोजेक्ट में, और फिर जाते हैं अपन लोग प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में एक टैब खुलता है हमारे पास, ठीक है। और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में टैब में क्या आ रहा है, फर्स्ट पार्ट आ रहा है स्टार्ट डेट, कि आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है। फिर करंट डेट क्या है, ये करंट डेट ज्यादातर सिस्टम की जो डेट होती है वो सीधी ये क्या कर लेता, पकड़ लेता है, बता देता है। यहाँ पे स्टार्ट डेट आपको बतानी पड़ेगी, लेट्स से मेरी स्टार्ट डेट आज की है, आज ही प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको सिंपल ऐसे ही रखूंगा। फिर आता है शेड्यूल फ्रॉम, आप कब से शेड्यूल करना चाहते हो। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट या प्रोजेक्ट फिनिश डेट, मतलब कि अगर आप प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट से शेड्यूल करना चाहते हो तो एमएस प्रोजेक्ट उस हिसाब से करेगा, इस डेट से वो क्या करेगा, सारी चीजों को शेड्यूल करेगा। अगर किसी कारणवश आपको डेडलाइन दे रखी है कि आपको इस टाइम तक कंप्लीट करना है, तब आप प्रोजेक्ट फिनिश डेट को क्या करते हो, चूज करते हो। पर इसमें क्या होता है, फिर एमएस प्रोजेक्ट पीछे की तरफ सारी चीजों को शेड्यूल करता है, तो हो सकता है आपकी करंट डेट से पीछे निकल जाए वो चीज, फिर वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादातर हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट ही लेके चलते हैं, डेडलाइन बहुत कम में लेके चलते हैं। हाँ, हम माइंड में ये रखते हैं कि उस डेडलाइन के अंदर अंदर हमको सारा शेड्यूलिंग करवानी है, ठीक है ना। ऐसा कैलेंडर होता है यहाँ पे, ये एक स्टैंडर्ड कैलेंडर है, मैंने तुमको कल बताया था, इसमें मंडे से फ्राइडे काम चलता है, ऐसा फिक्स है इसमें पहले से, और सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक काम चलेगा, ऐसा इसके अंदर चीज फिक्स कर रखी है हम लोगों ने। हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, वरना 24 आवर शिफ्ट तो ही वो आप ले ही सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर, ओके, तो ये अपना एक तरीके से ओपन करने का तरीका है, ठीक है ना। दूसरी बात, हाँ, अभी मैंने क्या किया था, न्यू प्रोजेक्ट खोला और उसके बाद मैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में गया। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी न्यू प्रोजेक्ट ओपन करूँ, ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद ही आ जाए मेरे सामने, ठीक है, ताकि मैं भूलू नहीं इस चीज को, क्योंकि हम फिर जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले टास्क डालूंगा ना, तो वो अपने हिसाब से जो भी स्टार्ट डेट है उस हिसाब से वो बाय डिफॉल्ट उसको शेड्यूल कर देगा। तो मैं चाहता हूँ जब जब मैं न्यू प्रोजेक्ट खोलूँ, ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहला काम रहेगा ये, तो ये खुद ब खुद ही मेरे सामने आता है। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए हम जहाँ लोग जाएंगे फाइल में, देन हमारे पास है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में आप लोग जाना एडवांस में, ठीक है, और एडवांस में आपके ऊपर यहाँ पे जनरल टैब है, ये जनरल के यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट फॉर प्रोजेक्ट इन्फो फॉर न्यू प्रोजेक्ट, मतलब जब भी न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए खुद ब खुद ही, जो कि एक अच्छी आदत है। तो आप इस पर हमेशा चेकबॉक्स रखना और इसको ओके कर, ठीक है। लेट्स से मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये जो पहले वाली फाइल है इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं सीटीआरएल एन दबा के एक नई फाइल खोलता हूँ, ठीक है। तो आया, अब देखो खुद को खुद ही प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सामने मेरे आ गया। तो सबसे पहला काम ही हमको ये करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सेट करना और सब करना। लेट्स से हमने सेट कर दी और आप चाह रहे हो कि सर आप मुझे चेंज करनी है, तो कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके आप उस चीज को चेंज भी कर सकते, ठीक है ना, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, ओके। नेक्स्ट आता है अपना सेव करना, ठीक है ना। आप इसको अगर सेव करना चाहते हो तो यू कैन सेव इट। सेव करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैं फाइल में जाके यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा खुद में कुछ सेव इज वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये फाइल अभी नहीं बनी, ठीक है, तो वो सेव एज में ही जाएगी। तो आप उसको आपके वन ड्राइव, अगर आपकी लिंक है आपकी ईमेल पे तो आप कर सकते हो, अगर आपका पीसी पे लिंक है तो आप पीसी के अंदर जो भी आपके जगह है उन पे कर सकते हो, ब्राउज में जाके आप आपकी जो भी ब्राउज है वहां पे कर सकते हो। ध्यान रखना एज अ प्रोजेक्ट डॉट एमपीपी फॉर्मेट के अंदर सेव होगा ये, ठीक है। जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्ट वन करके एक सेव कर रखा है, अगर आप इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो इसमें इसका एक्सटेंशन आता है यहाँ पे .mpp, दैट इज माय माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो इसका एमपीपी एक्सटेंशन होता है ना, तो आप ऐसे इसको सेव कर सकते हो कहीं पे भी, और सेव करने के बाद जिस भी आप जगह पे जाओगे उसका आपका जो पाथ होगा वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाए, ठीक है ना। तो आप उस पाथ को भी पिन कर सकते हो। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम करोगे
तो क्या होगा ना, जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो हो सकता है आपके अंडर तीन चार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपको एक या दो साइट है एक साथ असाइन कर रखी हो। उस केस में हो सकता है कि आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके फोल्डर्स में, जैसे लेट से कोई एक विला है तो विला के फोल्डर में उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गया, एक कोई रो हाउसिंग चल रहा है उसका प्रोजेक्ट, तो उन दोनों फोल्डर के पाथ को अपन यहाँ क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो जब अपन ओपन भी करने जाएंगे ना तो भी अपन उसको वहां से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इट इज क्वाइट दैट मच हैंडी, ठीक है ना, तो उतना हमारे लिए क्या होता है आसान रहेगा। तो ये तो था अपना फाइल ओपन सेव वाला, ठीक है ना। अब मैं फाइल में जाता हूँ, इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्लोज करूंगा तो हम अपनी होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे हमारे पास तीन चार चीजें हैं, दैट इज ब्लैंक प्रोजेक्ट, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, न्यू फ्रॉम एक्सेल, और एक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करके कुछ पड़ा हुआ। ये होती है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होती है, पहले से बनी हुई होती है, आप सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको जो चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर सकते हो। सेम ये अपने पावर पॉइंट की टेम्पलेट जैसा ही होता है, ठीक है। अगर आपको और भी कोई चाहिए टेम्पलेट्स तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो, सर्च फॉर ऑनलाइन, ठीक है। तो लेट्स मैं यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि अपन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, और मैं ये सर्च बटन का जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इस पर क्लिक कर दूंगा। ये सर्च करेगा और बता रहा है कि इसके पास दो ऐसे टेम्पलेट्स हैं, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जैसे मैं कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आएगा, तो पॉपअप में उसका एक प्रीव्यू दिखाएगा कि ये कैसी दिखेगी, ठीक है, और इसको किसने बनाया है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बना रखा है, इसकी डाउनलोड साइज क्या है, और यहाँ पे एक स्टार्ट डेट आता है कि अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो इसकी स्टार्ट डेट क्या होगी। तो मेरी स्टार्ट डेट वही है जो मैं रखना चाहता हूँ, जैसे अगर आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट टुडे ही होती है, तो आप इसको कभी भी कोई भी आप सेट करना चाहो तो यहाँ से सेट कर सकते, ठीक है ना। मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये इसको डाउनलोड करेगा, क्योंकि छोटी फाइल थी तो फटाफट डाउनलोड जाएगी और ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। ध्यान रखना यहाँ पे वो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा खुलते ही, क्यों, क्योंकि ये फाइल टेम्पलेट पहले से बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब सेव करने के लिए आपके पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस, और सब जानते हैं जैसे कंट्रोल प्लस एस करोगे आप सेव एज में आ जाओगे। तो ब्राउज के अंदर जाके आपको जहां पे भी इसको सेव करना आप वहां इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इसको सेव कर, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब जब भी आप छोटा सा भी काम करो कंट्रोल एस दबाना, ये खुद ब खुद बैकग्राउंड में उसको सेव कर देगा, ठीक है ना। जैसे कुछ काम हो कंट्रोल एस सेव, या नीचे की तरफ एक छोटा सा बार आता है जब अपन सेव करते हैं प्रोजेक्ट, जितना ज्यादा बड़ा होता है उस बार को उतना सेव होने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी कंट्रोल एस दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं बार आया और ब्लिंक में चला गया, ठीक है। पर प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा होगा तो वो धीरे 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 सेव होगा, तो मेक श्योर कि वो जब तक सेव नहीं हो जाए आप कुछ बंद मत कर, ठीक है ना। वो सेव हो जाए, पूरा बार कंप्लीट हो जाए, देन ओनली आप प्रोजेक्ट को क्लोज कर, ठीक है। तो ये होता है अपना टेम्पलेट्स को लाना, ठीक है ना। आप और भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। न्यू में जाके अब यहाँ पे जाके आप जैसे यहाँ पे कुछ लिख रखे प्रोजेक्ट शेड्यूल एनालिसिस इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री पे क्लिक करोगे तो वो इंडस्ट्री के टेम्पलेट सर्च करोगे, तो इतने सारे इंडस्ट्री के टेम्पलेट्स, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो जैसे लास्ट साइड में इन्होंने बता रखा है इंडस्ट्री से रिलेटेड इनके पास 23 टेम्पलेट्स हैं ऑल दैट, वो सारे ऐसे की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितने हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप कोई भी क्लिक करना चाहो, किसी को भी देखना चाहो आप कर सकते हो। न्यू बिजनेस प्लान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया, क्या है क्या नहीं, तो आप आपके हिसाब से कोई भी रख सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा था एमएस प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, सारी चीजों के लिए, आपके बिजनेस प्लान हो, कोई कोई भी आपका कोई एनुअल रिपोर्ट प्रिपरेशन वगैरह, ट्रेनिंग रोल आउट इनिशिएटिव है, कोई भी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आप इसमें प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा टेम्पलेट्स काम, ठीक है ना।